जैसा जैसा उनके अंदर, जैसा बता रहा था, यूरोप के अंदर फहाशी, नशा नशा इसलिए बढ़ गया कि वो डिप्रेशन में आ गए। यूरोप के अंदर जब ला मजहबियत आ गई, अथेइज्म आ गया, तो उनके अंदर फिर मायूसी पैदा हुई। अथेइज्म से मायूसी पैदा हो जाती कि तो उसको जो है ना फ्यूचर का नहीं मालूम होता। जब मरने की बात खत्म, अब जो भी करना है दुनिया में है, मर गया, खत्म हो गया। जब ये बात होती तो एक किस्म की बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड मायूसी तारी हो जाती, जिसको डिप्रेशन बोलते। डिप्रेशन असल में बैकग्राउंड मायूसी है। बैकग्राउंड के अंदर जो मायूसी रहती है उसको डिप्रेशन बोलते। वो डिप्रेशन आने की वजह से उनके अंदर फिर ड्रग्स, हर किस्म की नशे, मुंशियात जिसको बोलते, और फहाशी फहाशी करने लगी। तो अब वो जो जो आदमी डिप्रेस हो जाता, वो फहाशी को, वल्गरिटी को जो है ना अपना लेता, अपना दिल का ख्वाहिश पूरी करने के लिए। फहाशी ऐसी चीज है कि जो अच्छी चीज है, जो पसंद की चीज है, जो इंसान की जो भी देखने में अच्छी है, खाने में अच्छी है, जो आप इंसान को पसंद आता, कंफर्टेबल है, उससे दिमाग में एक किस्म का केमिकल बनता है जिसको डोपामाइन बोलते। वो डोपामाइन दिमाग में अगर पैदा हुआ तो आदमी को जो है ना तस्कीन होती, सुकून का एहसास होता। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, नशा है, फहाशी है, औरतों को रियानियत है, नंगी देखना, इससे जो है ना डोपामाइन दिमाग में बनता और सुकून हासिल होता। और उनका जो डिप्रेशन है, थोड़ा सा उनको नशे के जैसा लगता, कम हो जाता। ये होने की वजह से क्या हुआ कि यूरोप के अंदर जो लोग हैं, यूरोप के अंदर जो लोग थे, वो अपने नशे करने लगे और डिप्रेस हो गए, अथेजम आ गया। उसके बाद जो है ना उन्होंने अपने अंदर मजहब को तो छोड़ दिया था, तो जो भी काम करते थे अपने रिलेशन, अपने सोसाइटी में लोगों से लेन देन, ये वो सारे गैर मजहब के ऊपर, ला मजहबियत के ऊपर ला लिए। तो उन्होंने फिर जो है ना अपनी जो जिनसी कंडीशन है, जिनसी ताल्लुकात है, उसको भी बेरहो कर दिया। जो सही तरीका था, जो क्या बोलेंगे, इंसान की जिंदगी के हिसाब से जो सही तरीका जिनसी था, उसको छोड़ के गलत तरीके भी अपनाना शुरू कर दिए। उसके अंदर क्या हो गया, एक और चीज जो मैं आपको बता रहा था कि अपनी ख्वाहिश की चीजें ज्यादा से ज्यादा अपनाने, ज्यादा से ज्यादा देखने से दिमाग में डोपामाइन पैदा होता। डोपामाइन बोल के एक किस्म का हार्मोन है। वो हार्मोन की अगर ज्यादा ही दिमाग में हो गई तो उसकी इस चीज की तरफ से हिप हो जाती। जैसे हम लोग को अगर आइसक्रीम खाना पसंद है, आइसक्रीम अगर हम कभी कभार खाएं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मगर हम अगर रोज अगर आइसक्रीम खाना शुरू कर दें, दिन में से 2-3 मरतबा आइसक्रीम खाएंगे, तो बाद में उसकी हिक हो जाती। फिर उसके बाद आइसक्रीम, फिर दोबारा आदमी खाना दिल नहीं बोलता। वैसा ही हर चीज के बारे में है। जैसा कि किसी आदमी को जो है ना, औरतें अगर अच्छी नजर आती, जो फितरत है, इंसान की फितरत है, मर्द की फितरत है, कि जो जो स्ट्रेट मर्द है, जो सही मर्द है, तो उनको औरतों में अट्रैक्शन होता, औरतों को मर्दों में अट्रैक्शन होता, ये फितरत है। तो ये फितरी बात है। जो तो मर्दों को जो है औरतें अच्छी लगती, उनकी शक्ल सूरत अच्छी लगती, और अगर वो कम से कम कपड़े पहने तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होती। तो वो जो यूरोप में ये सिस्टम चालू हो गया कि कम से कम कपड़े पहन के कारोबार कर रही, घूम रही फिर रही औरतें, तो रात दिन उनको देखने से, रात दिन वो औरतों की तस्वीरें देखने से, आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उनके ऊपर वो औरतों की खूबसूरत तस्वीरें देखने लगे, फिल्मों में और ड्रामों में अच्छे अच्छे खूबसूरत लड़कियां और औरतें आने लगी। बसूरतों को तो लेते ही नहीं है बिल्कुल हर किधर, तो सब खूबसूरत लड़कियां और ये वो मैगजीन में रंगीन तस्वीरें आने लगी। इनको अगर रात दिन हमेशा हमेशा देखने से दिमाग के अंदर डोपामाइन के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते। डोपामाइन के लेवल बढ़ते 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 ऐसे एक वक्त ऐसा आया था कि वो औरतों के अंदर से भी इंसान का अट्रैक्शन खत्म हो जाता और वो चाहता है कि और कुछ ज्यादा हो ताकि डोपामाइन का लेवल वहां तक पहुंचे। जब तक इंसान का दिमाग का डोपामाइन का लेवल वहां तक नहीं पहुंचता, उसको तस्कीन हासिल नहीं होती। जब एक बार उसने अगर ऐसी चीजें देख लिया, औरतों को कम से कम कपड़ों में नंगी से नंगी देखना शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो है उसका डोपामाइन लेवल बहुत हाई हो जाता। अब दोबारा उसको इतनी खुशी हासिल करने के लिए वो डोपामाइन के लेवल को उस तक पहुंचाना पड़ता, उससे ज्यादा तक पहुंचाना पड़ता, नहीं तो फिर उसके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती। उसके वजह उसके लिए उन्होंने क्या किया, वहां जब यूरोप में तो दीन था ही नहीं, मतलब खत्म हो गया, बेदीनी और इल्हाद और अथेइज्म और कुफर आ गया, तो उन्होंने फिर वहां पे फहश फिल्में बनाना शुरू की, जिनसी फिल्में बनाना शुरू की, जिसको अबाहियत बोलते, जिसको पोर्नोग्राफी बोलते। पोर्नोग्राफी की फिल्में उन्होंने बनाना शुरू कर दी ताकि डोपामाइन का लेवल बढ़े, और उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया। जो लोगों ने अपने चीजों के एडवर्टाइज के लिए, इसके लिए औरतों की तस्वीरें ये वो करते करते पोर्नोग्राफी का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया हर जगह, अबाहियत की फिल्में, जिसको जिनसी फिल्में बोलते, वो भी माशरे में बहुत ज्यादा फैल गई यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया में। इंटरनेट की वजह से तो पूरी दुनिया में फैल गई, हर बच्चे बच्चे के मोबाइल में तक आ गया। आज जो है, जो भी बच्चा 8वीं का हो, 7वीं जमात का हो, 5वीं जमात का हो, जिसके पास भी एंड्रॉयड फोन है, वो पोर्नोग्राफी की फिल्में और नंगी तौर फहिश तस्वीरें आ गई है उसके पास, उसको हम रोक नहीं सक रहे। तो ये सब चीजें देखने से क्या हुआ कि इंसान का दिमाग का डोपामाइन का लेवल जो है एक हद ऊंचे तक पहुंच गया। अब उसको तस्कीन जो है उससे ज्यादा पे हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उनके अंदर
जिंस बेरारा भी पैदा हुई, उन्होंने जिंस के ऊपर अपनी जो जिंसी अमल है उसके ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, गैर फितरी तरीके से करना शुरू कर दिया। और जिसको कौम लूत का अमल बोलते, जिसको जो है होमोसेक्सुअलिटी जिसको बोलते, कि एक आदमी आदमी जिंस अमल कर रहा है, औरत औरत जिंस अमल कर रही है, इसको जो है उसका जो उन्होंने यूरोप में निकाला है कि इस तरीके से वो करने लगे, जो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे। तो इसको बाद में जो है शुरू शुरू में बुरा समझते थे कि तो दुनिया के हर मजहब में होमोसेक्सुअलिटी को बुरा समझने लगे। यूरोप के अंदर भी इसको पहले बुरा समझते थे, मगर जब वहाँ उनका मजहब नहीं रहा तो उन्होंने फिर इसको ये समझा कि उनके जो होमोसेक्सुअल लोग थे उन्होंने इसको झूठ तरीके से पेश किया। उन्होंने बताया कि ये तो डीएनए के अंदर है, आदमी की फितरत में होता है, ऐसा करके बाद में पता चला कि झूठ बोला था, डीएनए में नहीं है। फिर बाद में जो उनके जो नफ्सियात वाले थे, साइकोलॉजी वाले थे, उन्होंने बताया नहीं ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। बाद में उन्होंने बताया नहीं, साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है। आज उन्होंने ये बताया है साइंस में कि ये दिमाग का ओरिएंटेशन है, और उसका ओरिएंटेशन किसी आदमी का अगर ऐसा है तो फिर वो होमोसेक्सुअल बन जाता है, यानी वो आदमी आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो औरत जो है औरत की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एक मर्द का एक औरत के साथ अट्रैक्ट होना चाहिए, ये फितरी है, अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ है। एक मर्द ने एक औरत से अट्रैक्ट होना, एक औरत ने एक मर्द से अट्रैक्ट होना, मगर एक मर्द ने दूसरे मर्द से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ये गैर फितरी है। क्यों मालूम क्या? ये तो एवोल्यूशन की थ्योरी जो डार्विन की निकाली उसके भी खिलाफ है कि जब तुम सही तरीके से जिनसे अमल नहीं करेंगे, मर्द औरत के साथ जिनसे अमल नहीं करेंगे तो औलाद कहाँ से पैदा होंगी, नस्ल कहाँ से बढ़ेंगी, तुम नहीं करेंगे तो नस्ल खत्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है इससे भी जो है तो आप एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, रिजेक्ट होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये तुम जो जो गलत अमल करेंगे तो तुम्हारा सर्वाइवल नहीं होगा और तुम्हारी औलाद में आगे नहीं बढ़ेंगी और रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तुम मर जाएंगे। ये तो डार्विन की थ्योरी से भी गलत है, मगर सब पूरे जो दुनिया के दीन है उसके ताल्लुक से भी गलत है। सब दुनिया के जो मजहब बताते कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है, इस्लाम में भी कुरान शरीफ के अंदर इसको भी कंडेम किया गया है, और उनको कहा गया कि वो सकर में है, सकरते यानी एक किस्म के इल्यूजन में है, इल्यूजन की कंडीशन में है, तो इसका जिक्र आएगा। तो ये जो यूरोप में जब होमोसेक्सुअलिटी निकली तो उसको वहां पे जब मजहब नहीं रहा, यूरोप में मजहब नहीं रहा, तो उसको जो ना उन्होंने जो कानूनी सपोर्ट करना शुरू किया, कानूनी बैकग्राउंड शुरू किया, ये बताया कि ये भी एक नॉर्मल चीज है, हालांकि ये नॉर्मल नहीं है। जो सही इंसान है, नॉर्मल किसको बोलते, एक आदमी औरत से अट्रैक्ट हो रहा, ये एक औरत आदमी से अट्रैक्ट हो रही, इसको नॉर्मल बोलते, इसको वो लोग स्ट्रेट बोलते, स्ट्रेट। और जो आदमी है आदमी से अट्रैक्ट हो रहा उसको जो है तो वो होमोसेक्सुअल बोलते। उसके लिए उन्होंने निकाला एक औरत औरत से अट्रैक्ट हो रही है, और ये एक औरत और दूसरे और ये बात निकाली जो होमोसेक्सुअल है, और तो उसको जो है ना उन्होंने ये निकाला आदमी आदमी से अट्रैक्ट हो रहा है उसको होमोसेक्सुअल बोल रहे, जो औरत औरत से अट्रैक्ट हो उसको लेस्बियन बोल रहे, लेस्बियन। ऐसा करके उन्होंने टर्म निकाली LGBT, एल का मतलब है लेस्बियन, और LGBT जो है वो निकाला उन्होंने कि लेस्बियन गे, इसको गे भी बोलते हैं, होमोसेक्सुअल को गे बोल रहे हैं वो लोग, जो टर्म है लेस्बियन गे और बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ये ऐसा किस्म का निकाला। और इसके बारे में कानूनी बैकअप हो रहा है यूरोप में, इसके बारे में बात बताई जा रही है। अब तो ये किसी किस्म का मर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बोले ना जेनेटिक भी नहीं है, साबित हो गया। तो अब उन्होंने सोचा अब क्या करेंगे, इसको कानूनी बैकअप कैसे देंगे, क्योंकि तो यूरोप में बहुत हो गया ये, वहां के जो है ना 40% लोग जो है ये गे हो गए और LGBT हो गए। उसकी वजह क्या है, LGBT कैसे हो रहे, उनकी औलाद तो पैदा होती नहीं, LGBT होते औरतों को ज्यादा से ज्यादा नंगा देखने से। क्योंकि एक इंसान जो है, एक मर्द जो है, जब किसी चीज को, अच्छी चीज को, जो अपनी पसंद की चीज को ज्यादा देखेगा, जैसे मैं बताया, दिमाग में जो है डोपामाइन का लेवल बढ़ते रहता है, उसका डोपामाइन का लेवल वहां तक पहुंचा के तस्कीन हासिल करने और डिप्रेशन खत्म करने के लिए उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव चीज चाहिए। पहले जब वो एक औरत को समझो खाली शलवार में देखता था तो उसके अंदर हिजान पैदा हो जाता था शलवार वाली, मगर जब रोज रोज शलवार में देखेगा तो अब वो स्कर्ट पे आ जाती है घुटने तक के, वहां तक उसको फिर तस्कीन होती, फिर अब घुटने तक भी देखेगा तो फिर और लेवल नहीं बढ़ता डोपामाइन का, तो और ऊपर चले जाता है स्कर्ट, फिर वो आदमी वो जो मिनी स्कर्ट पे आ जाता, फिर उसको अट्रैक्टिव दिखती, फिर वो अगर उसको मिनी स्कर्ट में देखेगा थोड़े दिन तक तो उसको फिर वो लेवल वहां तक नहीं पहुंचता, तो फिर सिर्फ जो है ना वो बिकिनी पे आ जाती, बिकिनी पे पहनने वाले और अच्छे, ऐसा करते करते लेवल बढ़ता जाता है, और बाद में वो पूरी नंगी चाहता है, वो पोर्नोग्राफी चाहता है, वो जिनसी अमल की फिल्में जिसको अबाहियत बोलते हैं वो देखने, इससे क्या होता कि वो डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता। अब डोपामाइन का लेवल बढ़ने की वजह से वो इंसान जो है, आदमी है, लड़का है या औरत है, वो फिर औरत की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, फिर वो आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते, और फिर औरत वो औरत की तरफ अट्रैक्ट हो जाती, और यहाँ से जो है गे बनना शुरू हो जाते,
और जो होमोसेक्सुअल जो बनना है यहाँ से बनना शुरू होते, इसकी असल वजह ये है। मैंने जो है नेट के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये बात मालूम की नेट के ऊपर अच्छी बातें भी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें नेट पर ही है और बहुत सारी बुरी बातें भी है। ये हमारा काम है कि नेट में से अच्छी बात कौन सी निकाल के लेना है, बुरी कौन सी निकाल के लेना है। नेट के ऊपर अच्छी बातें बहुत है, मैंने नेट के ऊपर बहुत रिसर्च किया ये LGBT के ऊपर, और ये बात निकाले कि ये यूरोप के अंदर जो LGBT जो फैल रही है, पूरी दुनिया में जो फैल रही है, वो सिर्फ औरतों को कम से कम कपड़ों में नंगे से नंगा देखने में हो रही है। खाली औरतों को नंगे संगा नहीं, बल्कि औरत खूबसूरत औरत की तस्वीर देखने से भी ऐसा होता है। जब तुम खूबसूरत औरत की तस्वीर अगर हमेशा देखेंगे तो आपका जो डोपामाइन लेवल बहुत ज्यादा ऊपर पड़ जाता है, और फिर अपने घर की औरतें अपनी बीवी को देख के फिर अट्रैक्शन पैदा नहीं होता। क्यों, आप दूसरी खूबसूरत औरतों को, हीरोइनों को अगर आप देखेंगे, उनका पोस्टर घर में लगाएंगे तो बीवी की तरफ बिल्कुल अट्रैक्शन खत्म हो जाता, क्योंकि आपका जो डोपामाइन का लेवल है बीवी को देख के इतना नहीं बढ़ता। फिर वो उससे ज्यादा खूबसूरत औरत आपको चाहिए, फिर आपकी बीवी तो रोज चेंज नहीं हो सकती, रोज वैसा मेकअप करके इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। इसलिए फिर यहाँ से धीरे धीरे वो जो बता रहा था मैं कि ये तो आम बात है कि जो खूबसूरत औरतों को देखने से डोपामाइन का लेवल वो हाई हो जाता, तो ये नहीं देखना चाहिए। इस्लाम के अंदर जो है औरतों का जो पर्दा है, औरतों का जो पर्दा इस्लाम के अंदर दिया है, वो असल में हम लोग अब तक क्या समझते थे, पिछले 1440 साल से हम डिफेंड करते आ रहे थे कि औरतों के प्रोडक्शन के लिए है, औरतों के प्रोटेक्शन के लिए। मगर इस्लाम की जो हकानियत आज साबित हो रही 1440 साल के बाद, ये पर्दा सिर्फ औरतों के हिफाजत के लिए नहीं है, औरतों की हिफाजत के लिए है, ये मर्दों की हिफाजत के लिए भी है। या औरतें अगर बुरखे में होंगी तो कम से कम मर्द औरतों को देख सकेंगे और उनके अंदर जो ये डोपामाइन का लेवल नहीं बढ़ेगा और उनके अंदर LGBT बनने का परसेंटेज कम रहेगा। अगर औरतें अगर बुरखों में हैं तो ये असल में मर्दों की प्रोटेक्शन के लिए है। ये आज ये बात साबित हुई, ये LGBT जब से इसमें बने यूरोप में, ये भी अल्लाह की हकानियत है कि ये काम मुसलमानों से नहीं लिया, अल्लाह ताला ने ये काम यूरोप के लोगों से लिया, गैर मुस्लिमों से लिया, हमारे दुश्मनान से लिया, कि ऐसे गंदे काम किए, पोर्नोग्राफी की फिल्में उन्होंने बनाई और औरतों को नंगे अपने बाजारों में घुमाया, अपने ऑफिसों में घुमाया। ये काम मुसलमान नहीं कर सकते थे, मुसलमानों से अगर अल्लाह ताला ही लेता था तो फिर वो मुसलमान कहाँ से रहते थे। तो ये काम अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों से लिया, हमारे दुश्मनान से लिया, कि उन्होंने अबैयत की फिल्में बनाई, पोर्नोग्राफी बनाई, औरतों को बाजारों में नंगे घुमाया, और उसका बुरा असर क्या हुआ ये पता चला कि उसके बुरे असर बहुत हुए। एक तो LGBT आई, उसकी वजह से लोग जो है गे बनना शुरू हो गए, और दूसरी बात ये कि वो पोर्नोग्राफी और ये बुरी फिल्मों से के बाद जो काम करने वाले हैं उनके अंदर, उनके साथ क्या हुआ। और एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब माशरे में फहाशी फैल जाएंगी, जब माशरे में फहाशी बढ़ जाएंगी तो ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जो पहले नहीं थी। तो ये जो जो पोर्नोग्राफी है, ये फहाशी है, ये ड्रग्स है, और ये जो LGBT की वजह से एक ऐसी बीमारी आई जो पहले नहीं थी, जो हुजूर की हकानियत को साबित करती है, एड्स। एड्स जो है इम्यूनो डिफिशियंसी जो सिंड्रोम है, तो HIV जो एड्स है वो ऐसी बीमारी है जो फहाशी की वजह से आई, गे होने की वजह से आई, और माशरे में बेरारवी की वजह से आई, जो पहले नहीं थी। ये हुजूर की हकानियत को साबित करती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो बुरे काम जो कुफार ने किए, पोर्नोग्राफी बनाई और LGBT हुआ उनके अंदर, और तो ये सब बुरे काम वो कुफार ने किए, और उसके जो बुरे जो नतायज निकले वो हमारे सामने आज है, और हम नतायज से सबक हासिल कर सकते। इसमें भी अल्लाह की जो है मल्टीटास्किंग है। इससे एक तो चीज़ आप देखिए, मुसलमानों से अल्लाह ने नहीं कराए, गैर मुस्लिमों से कराए। वो करने के बाद क्या नतीजा निकला उसका सबको पता चला, मुसलमानों को भी पता चला, गैर मुस्लिमों को भी पता चला। ये भी उसमें एक सबक है, और इसके अंदर जो है अल्लाह ताला का मल्टीटास्किंग है कि पता चला कि ये सब काम से क्या होता अगर ये काम कोई नहीं करता दुनिया में, गैर मुस्लिम भी नहीं करते और मुसलमान भी नहीं करते, तो हमको कैसा पता चलता कि इससे ऐसा होता। इंसानियत को पता भी नहीं चलता, खाली थ्योरी होती, मगर उसका प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए भी अल्लाह ताला ने उनको चुना, गैर मुस्लिमों को चुना, और उनके बुरे काम भी जो है हमारे लिए रहमत है, सब पूरी दुनिया के लिए रहमत है, ताकि उससे हमको सबक मिल रहा है। तो ये भी यूरोप में हुआ, यूरोप के अंदर जो है ये जो बुराएं फैली और उसके अंदर इल्हाद फैला, उनका खानदानी सिस्टम बिगड़ गया, उनके अंदर जो है माँ बहन और बेटी का कोई मोहब्बत नहीं रही, औलाद जो है माँ बाप के पास, माँ बाप से निकल के चले जाती, माँ बाप को छोड़ देती, उनका कोई केयर नहीं करती, माँ बाप खुद नहीं चाहते कि औलाद उनके साथ रहे, अगर औलाद साथ रही तो वो केस करते। मैंने BBC के ऊपर देखा था कि कुछ माँ बाप ने अपने नौजवान लड़के पे केस किया था कि वो नौजवान होने के बावजूद भी घर छोड़ के नहीं जा रहा, उन्होंने केस लड़ा और केस जीत के बच्चे को बाहर निकाल दिया। BBC पे न्यूज है, बहुत सारे बच्चे स्वीडन में, BBC खुद मैंने पढ़ा कि 16 साल 17 साल के हो जाते वो माँ बाप को छोड़ के अकेले रहना शुरू हो जाते, हालांकि एक ही सिटी है, एक ही गाँव है, और अपना खाते अपना कमाते, माँ बाप की कोई परवाह नहीं करते। तो ये यूरोप में इसलिए हुआ बेदीनी की वजह से, उसके अंदर और भी बुराइयां पैदा हुई। यूरोप के अंदर जो माशरा इतना तेजी से फैला था, मुसलमानों ने यूरोप को जो है तरक्की के बिल्कुल मेराज पे पहुंचा दिया था, और मुसलमानों ने जो साइंस टेक्नोलॉजी करके
अपनी जो मंजिल थी तरक्की की मंजिल की सीढ़ियों पे सो गए, और यूरोप वाले लोग हमारे खांदे पे पैर रख के तरक्की की मंजिल में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद फिर यूरोप के अंदर तनाजुली शुरू हुई, उन्होंने जब दीन को छोड़ दिया तो उनके अंदर इत्तेहाद खत्म हो गया, दीन की तरफ से लड़ने का जज्बा खत्म हो गया। आज यूरोप के अंदर जितने मुल्क है, वहां के मुल्कों के उनके मजहब के खिलाफ बोलो, उनके बारे में बोलो, उनके भाषाओं के खिलाफ बोलो, वहां पे जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई किसी को कुछ बुरा नहीं लगता। असल में उनकी गैरत खत्म हो गई, बेगैरती आ गई, जब दीन आ गए खत्म चले हो गया उनके अंदर से, उनका मजहब निकल गया, एथिज्म आ गया, तो बेगैरती आ गई। फिर उनके कोई परवाह नहीं रही कि माँ किसके साथ जा रही है, बहन किसके साथ लफड़े है, बहन की कितने लफड़े है, किस किस के साथ बहन है, कोई किसी को, उनके गैरत ही खत्म होगी। ये गैरत खत्म होने की वजह से एलजीबीटी पे आई उनके अंदर, जैसा मैंने बताया, अबाहियत बढ़ी, डोपामाइन का लेवल बढ़ता गया, पोर्नोग्राफी बढ़ी, औरतों की तस्वीरें देखने से एलजीबीटी आता है। आप सब नौजवानों के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि औरतों की तस्वीरें देखने से भी और खूबसूरत औरतों को देखने से भी ये एलजीबीटी आता है, 100% नेट के ऊपर है, इससे डोपामाइन बढ़ता। इसीलिए इस्लाम में बुरखे का इस्तेमाल है, बुरखा औरतों को इसलिए पहनाया जाता है ताकि वो इंसान, मर्दों को भी इसके प्रोटेक्शन हो, मर्दों को भी औरतें नजर ना आए। पहले जैसा मैंने जिक्र किया था कि पहले जमाने में, आज से 100 साल पहले, औरतों का जिक्र करने, औरतों का कोई कपड़ा टंगा हुआ देख लेते थे रस्सी तार के ऊपर तो हिजान पैदा हो जाता था, आज नहीं हो रहा है। और आज बाजारों में औरतें नंगी घूम रही। असल बात यह है कि जो मर्द है, मर्द के अंदर जो वो जिस्मानी कुव्वत है, उसका जो स्पर्म है वो लिमिटेड क्वांटिटी में बनते हैं, एक बार स्पर्म निकल गए तो उसको दोबारा स्पर्म बनने के लिए कम से कम 24 घंटे तो लगते ही, कम से कम 24-50 घंटे तो लगते हैं समझो स्पर्म दोबारा बनने और उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होने। मगर औरतों को ऐसे नहीं, औरतों की जो खूबसूरती, लड़कियां जो खूबसूरत रहती वो तो खूबसूरत रहती, कोई वो उसके अंदर पैदाइश नहीं, तो वो 24 घंटे खूबसूरत नजर आती है हमको जब भी उनको देखें खूबसूरत। मगर मर्द के अंदर वो जज्बा नहीं रहता उसको हर बार वो करने का, जब स्पर्म खारिज हो गया तो बिल्कुल जैसा नींद में जब वेट ड्रीम आते नौजवानों को, स्पर्म खारिज हो जाते, तो उसके बाद उनके ऊपर गौसल करना इस्लाम के हिसाब से जरूरी है और फर्ज है, नमाज के लिए, रोजा के लिए। उनको जब स्पर्म खारिज हो जाते नींद में और ख्वाब आके, औरतों का ख्वाब आके, नौजवानों के साथ ये फितरी बात है, अल्लाह ताला का निजाम है कि जो स्पर्म खारिज हो गए तो उन्होंने गुसल कर लेना चाहिए। तो ये कब लिमिटेड रहता है, नौजवान मर्दों का लिमिटेड रहता है, स्पर्म खारिज हो गए उसको दोबारा बनने के लिए 50 घंटे लगेंगे, मगर औरतों की खूबसूरती तो हमेशा रहती जब तक वो जवान है, लड़कियां हैं तो जब वो माशरे में घूमेंगी, कपड़े पहनेंगी, तो हमेशा उनको जब देखने से, हमेशा उनकी तरफ देखने से दिमाग के डोपामाइन लेवल बढ़ते रहता, और एक लेवल इतनी हाई लेवल पे चले जाता कि अब आप जो है उससे ज्यादा चाहते, उससे ज्यादा अगर वो हिजान अंगेज और अट्रैक्टिव लगेंगी तो आपका डोपामाइन लेवल बढ़ेगा, कम लगेंगे तो नहीं बढ़ेगा, आप अपने घर के अपनी बीवी को देख के अट्रैक्ट नहीं होंगे क्यों, तो फिर वो आदमी वो आप चाहेंगे कि और ज्यादा हो। इसीलिए लोग पोर्नोग्राफी ज्यादा से ज्यादा देखते, शादीशुदा लोग भी पोर्नोग्राफी इसलिए देखते कि अपनी बीवी को देख के वो अट्रैक्ट नहीं होते, उनके अंदर हिजान नहीं पैदा होता, और बाद में धीरे धीरे जो है ना ये होमोसेक्सुअल बनना शुरू होते, गे बनना शुरू होते, क्यों, तो फिर वो आदमी औरत से अट्रैक्ट नहीं होता बल्कि आदमी से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता, फिर आदमी आदमी अट्रैक्ट हो जाते और गे बन जाते। इसी को कुरान में जो है ना कौमे लूत का अमल बताया गया है, सोडोमी जिसको बोलते हैं, जो इंग्लिश में सोडोमी बोलते हैं, सोडोम बोल के एक गाँव था, गोमोरा, सोडोम और गोमोरा बोल के दो गाँव है इस वक्त फलस्तीन में, वो वहां पे ये कौम थी जो ये ऐसा करती थी, जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी जिसका कुरान में जिक्र है, और जिनको कहा कि वो कौम के अंदर जो है ना वो फहिश काम करते थे और सकर में थे, सकर यानी इल्यूजन था, कुरान में ये जो होमोसेक्सुअलिटी को इल्यूजन कहा गया, ये असल में इल्यूजन है, ये जो है किसी किस्म का दिमाग का ओरिएंटेशन नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारे दिमाग में ओरिएंटेशन ऐसा है ताकि हम ये काम करते हैं, हमारे दिमाग में हमारा ओरिएंटेशन ऐसा है कि हम मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, किसी का ओरिएंटेशन ऐसा रहता है कि औरत की तरफ अट्रैक्ट हो रहा तो वो स्ट्रेट होता, ऐसा नहीं है। अगर हम ओरिएंटेशन की बात को मान लें कि तुम्हारे दिमाग में ओरिएंटेशन होने की वजह से तुम ये काम कर रहे, तो इसका मतलब अगर उनको ये बात के लिए छोड़ देंगे और उनके लिए कानून बनाएंगे, उनके लिए लीगल बैकअप देंगे गे के लिए ओरिएंटेशन की वजह से, तो फिर ओरिएंटेशन की वजह से हमको सारे जितने भी क्रिमिनल है दुनिया में सबको छोड़ना पड़ेगा। एक कत्ल करने वाला भी कल को ये बोलेगा कि मेरे दिमाग का ओरिएंटेशन ऐसा है कि मेरा दिल बोलता है लोगों को कत्ल करना, एक जो है ना चोरियां करने वाला जो चोर है उसका दिल भी बोल, वो भी कल कोर्ट में बोलेगा कि मेरा दिमाग का ओरिएंटेशन ऐसा है कि मेरा दिल बोलता है चोरी करना, एक जो डॉक्टर है जो किडनी चोरी करके बेचता वो भी कल को ये बोलेगा कोर्ट में कि मेरा दिल बोलता है कि मैं लोगों के किडनी बेच के पैसे कमाऊं, इसलिए मेरा दिमाग का ओरिएंटेशन है इसलिए उसको छोड़ दो। जैसा तुमने गे को और होमोसेक्सुअल को और एलजीबीटी को ओरिएंटेशन की बुनियाद पे लीगल बैकअप करके छोड़ दिया, उनके लिए कानून बनाए, उनके लिए सहूलियतें पैदा की और उनपे कोई किस्म का केस नहीं है, वैसे ही बाकी सारे क्रिमिनल भी है उनको भी छोड़ देना चाहिए, वो भी उनका भी ओरिएंटेशन का मसला है ना, ओरिएंटेशन की वजह से ऐसा कर रहे हैं।